जय हिंद। नमस्कार साथियों, फरवरी पेंशन इस दिन हो गई क्रेडिट, इस पर से ने किया स्पष्ट। 8वां वेतन आयोग पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को झटका, चुनाव से पहले डीएडीआर की घोषणा संभव। ईसीएचएस लाभार्थियों को ऑन्कोलॉजी केमोथेरेपी संबंधी क्लेम्स पर मिलेगी छूट। रक्षा मंत्रालय का पीसीडी को आदेश, सीपी ग्राम शिकायतों का निपटारा जल्दी करना होगा। तो क्या है पूरी रिपोर्ट्स देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करो, आपसे मेरा रोज की तरह अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि फरवरी पेंशन कब तक खाते में आएगी, ये अब फरवरी लास्ट तो होने जा रही है, लेकिन स्पष्ट द्वारा पेंशनर्स को क्रेडिट का मैसेज अभी तक नहीं मिला है, जबकि हर महीने 25 तारीख को स्पष्ट के द्वारा मैसेज मिल जाता था। इस बार कुछ देरी है, इसका कारण पूछने की कोशिश की गई, स्पष्ट में रिंग करके पूछा गया, पता चला कि आपकी जो पेंशन है तय समय से, यानी कि 29 तारीख, इस बार फरवरी 29 की जा रही है, तो 29 तारीख फरवरी का लास्ट वर्किंग डे होगा, उसी दिन आपकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और जहां तक मैसेज की बात है तो मैसेज भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, एक दो दिन में आपको मिल सकते हैं। दोस्तों अभी 5 दिन बाकी है तो इस बीच आपको मैसेज आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। इस पर ने ये क्लियर किया है अपनी तरफ से, इस समय से पेंशन क्रेडिट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 8वां वेतन आयोग पर। सोशल मीडिया पर रोज 8th सीपीसी के बारे में, यानी कि 8वें वेतन के बारे में चर्चाएं हो रही हैं और रिपोर्ट्स भी मीडिया में आ रही हैं इनकी, और उम्मीद की जा रही है कि सरकार चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग पर कुछ घोषणा करेगी, क्योंकि कई संगठनों ने सरकार को कर्मचारियों और पेंशनर्स की नाराजगी जताते हुए पत्र द्वारा अवगत कराया है और कहा है कि 8वां वेतन आयोग जल्दी से जल्दी सरकार लागू करे ताकि सभी को कुछ राहत मिल सके। पर दोस्तों ऐसा सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं है अभी तक, इस पर कुछ काम भी हो रहा है यह कहना असंभव है। जैसा कि वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने बजट सत्र में स्पष्ट कर दिया था कि सरकार अभी इस पर कोई भी विचार करने नहीं जा रही है, इसलिए संभावनाएं कम है कि 8th सीपीसी चुनाव से पहले कुछ इस पर घोषणा हो सके। दोस्त अब बात करेंगे डीएडीआर में 4% की बढ़ोतरी, क्या संभव है, क्या सरकार इलेक्शन में जाने से पहले यह घोषणा कर देगी, तो ये बहुत बड़ा सवाल था। जैसे कि चुनाव आयोग ने पूरे संकेत दे दिए हैं कि मार्च में वह चुनाव की घोषणा कर देगी और डीएडीआर 4% बढ़ोतरी की भी घोषणा होने की संभावना है। दोस्तों जैसा कि ये मीडिया रिपोर्ट में इसकी काफी चर्चाएं हो रही हैं, तो 4% आपकी घोषणा मार्च महीने में चुनाव से पहले होने की भरपूर संभावना है। 4% बढ़ोतरी के साथ आपका डीएडीआर 46-50% हो जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे ईसीएचएस के बारे में। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एडजुटेंट ब्रांच ने 20 फरवरी 2024 को ऑल रीजनल सेंटर को एक चिट्ठी लिखकर बताया है, जिसका सब्जेक्ट आपके सामने है, क्लेरिटी ऑन ऑन्कोलॉजी केमोग्राफी रिलीज्ड क्लेम। जो ऑन्कोलॉजी केमोथेरेपी संबंधी जितने भी क्लेम्स होंगे उनको गंभीरता से लिया जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। और पैरा 2 में इन्होंने कहा कि जो 6 मार्च 2018 और 10 अप्रैल 2018 के जो पॉलिसी लेटर है इसके अनुसार, तीसरे में उन्होंने बताया कि जो 2 फरवरी 2023 को इसमें एक प्रेस एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें क्लियर किया गया था कि प्रत्येक क्लेम के साथ इनवॉइस जरूरी है और उस पर जो भी डिटेल आप अपलोड करते हैं, चाहे वो बैच के साथ हो या लॉट नंबर के साथ हो या पॉच में हो, उसकी डिटेल आपके इनवॉइस की डिटेल के साथ मैच होनी चाहिए। मैं आपने प्राइस लिखी है और यह आपको ईसीएचएस रेट जो है वो सीजीएसएस रेट के हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा दोस्तों। और इसमें उसने आगे कहा कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एमआरपी बीइंग मेंशनड इन दिस इनवॉइस। यदि आप उस इनवॉइस में एमआरपी रेट भी मेंशन करते हैं तो उसका कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको लिख सकते हैं और वो क्लेम आपको मिलेगा। पॉलिसी लेटर भी दे दिया गया है जो कि आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों सीपी ग्राम में काफी पेंशनर्स की शिकायत बहुत मात्रा में मिल रही है, यानी कि मिलती है। जो भी पेंशनर्स की शिकायत है वो जाते हैं और उनको वहाँ पर रजिस्टर किया जाता है। इसी संबंध में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग लोक नायक भवन खान मार्केट के द्वारा, यानी कि जो यहाँ पर ये आईएएस हैं, सेक्रेटरी हैं इसके, इन्होंने 9 फरवरी 2024 को अपनी अपडेट दी है, जिसके अंदर उन्होंने जनवरी 2024 की जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके बारे में यहाँ पर अवगत कराया गया, जिसमें जो कंप्लेंट सीपी ग्राम के द्वारा पेंशनर्स की शिकायतें मिलती हैं वो जनवरी महीने के यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, कितने आंकड़े थे, कितने को उनको सॉल्व किया गया, पीसीडी ने इस पर क्या किया। और अंत में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज को रिक्वेस्ट की है कि अपने अपने नोडल ऑफिसर को बताएं कि समय से पेंशनर की शिकायतों को दूर किया जाए तथा उनके पीपीओ भी जिनको मिले नहीं है उनको पीपीओ भी इशू किया जाए।
है। इसी के असर से एमओडी ने, ये आप देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ईसीडी को लिस्ट के साथ, इसके साथ लिस्ट अटैच कर दी। बहुत सारे पेंशनर्स की यहाँ पर लिस्ट है जो शिकायत उनको प्राप्त हुई, लिस्ट जो डाली है इसके साथ ईसीडी को उन्होंने लिखा है और उनसे कहा है कि जितने भी ये ग्रेवेंसेज हैं जो सीपी ग्राम के द्वारा आपको मिली है, इन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और 30 दिन के अंदर इनकी सभी शिकायतों को दूर किया जाए। तो ये एक अच्छी पहल है जिसमें पेंशनर्स की जो शिकायतें हैं वो पड़ी रहती थी, अब इस पर थोड़ा सा काम होना शुरू हुआ है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।